अभी कितने दिन चलेगा और ये मेला? मेला अब लास्ट आज ही लास्ट है। पर यहाँ पे वो वैसे दुकान वाले नहीं है कि बिल्कुल जैसे खुल के बात नहीं करते, तो इससे मैं भी खुल नहीं पा रहा था। शूट कर रही है आप पे, जहर लग रही कतई। इसमें कैमरा भी है वैसे? लास्ट लोगों मैंने बताया था कि मैं आपको रास्ता बताऊंगा अपने घर का। तो ये हो गया फ्लैट, और ये बिल्कुल पीछे देख रहे होंगे आप, ये है श्री हरि होटल। पास से दिखाता हूँ एक बार। अब मैं अपनी गली से बाहर आ गया और ये देखिए बाहर, ये है होटल श्री हरि होटल। तो इसलिए अगर किसी को भी मिलने का मन करता है तो श्री हरि होटल आ जाना, मैं आ जाऊंगा। तो अभी पराठा ऑर्डर किया था और यहाँ पे अभी साथ में ब्लॉग अपलोड हो रहा है मेरा। तो आज यहाँ पे काम काफी हल्का चल रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कहीं सिदारगंज एक्सप्लोर किया जाए। आज काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि नानक मंटा गुरुद्वारा है यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं पे जाऊँ और आज उसके दर्शन करके आऊँ। इतनी गंदी हो रही है गाड़ी, इतनी गंदी, आज घर जाकर धोऊंगा ऐसे अच्छे से। तो वैसे तो प्लान था कि गुरुद्वारा जाएंगे नानक मट्टा, लेकिन नानक मट्टा पड़ता 10 किलोमीटर दूर सिदारगंज से, और फिर किसी गांव वाले ने बताया कि सिदारगंज से 2-3 किलोमीटर आ गई एक मेला लग रखा है, तो वहां भी जा सकते हो आप। तो मैंने सोचा चलो मेला ही देख लेते हैं आज, और आप लोगों को भी दिखाएं यहां का मेला कैसा होता है। गुरुद्वारा के तो मैंने मेले बहुत दिखा दिए, अब एक बार यहां का भी मेला देख लेते हैं। और थोड़ी भीड़ लग रही है तो इसलिए सोच रहा हूं माइक लगा लूं, क्योंकि हल्ला वल्ला रहता तो मेरी आवाज क्लियरली पहुंचेगी आप लोगों तक। काफी बड़ा मार्केट है ये, अभी पूरा एक राउंड मार के आया मैं, और आउटर में राउंड मारा मैंने, पर तभी भी बीच बीच से गलियां निकाल रखी हैं, तो जितना बाहर से छोटा दिख रहा था उतना है नहीं। पर अभी यहाँ पे खिलौने की दुकान दिखी मुझे, काफी अच्छे लग रहे हैं मेरे को, ये बचपन की याद आ गई बिल्कुल। भैया ड्रोन कितने का है वाला? 3500 रुपए का बताया भैया ने। ड्रोन लेने का बड़ा मन है मेरा, बस कुछ दिन और उसके बाद ले लूंगा मैं। वैसे मैंने सोचा था कि दिसंबर स्टार्टिंग में ले लूंगा, पर अब सोचा है दिसंबर एंड पे लूंगा। इसमें कैमरा भी है वैसे? सादा सादा, अब हवा में उड़ेगा। खिलौने काफी रख रखे आपने, बड़ा बढ़िया बढ़िया है, एकदम मजा आ रहा है देखने में। तो चलो अभी ड्रोन के सपने तो काफी देख लिए, अब कपड़ों वाले सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं कुछ बढ़िया कपड़े मिल जाए तो। ये देखो खतरनाक खतरनाक कपड़े लगे हुए यहाँ पे। भैया ग्रे वाली जैकेट कितने की है वाली टॉप पे जो है? ये सेकंड नंबर। हाँ ये 750 देने वाला रेट बताओ, देने वाला लास्ट 600। तीसरे चौथे नंबर पे, चौथे जिसका येलो स्ट्रिप ये वाली। हाँ तो कपड़ों के रेट तो फिलहाल ठीक ही लगे मेरे को, ऐसे कोई बहुत सस्ते भी नहीं है। और ये देखो पर्स भी मिल रहे हैं बढ़िया बढ़िया, देखो 100-100 रुपए के, क्या बात है। तो यहाँ पे पेंटिंग की शॉप मिली मेरे को, पूरे फ्रेम के साथ बड़े बड़े पेंटिंग है। और मेरी मम्मी को एक घोड़े वाली पेंटिंग अच्छी लगती है जिसमें 7 घोड़े भागते रहते हैं। और कितनी सारी पेंटिंग है, इसका मतलब काफी फेमस होती है 7 घोड़े वाली पेंटिंग। ये वाली पेंटिंग कितने की है भैया? 200 रुपए। और जो आपके पीछे है 700। मेरे घर वाले शीशे में तो अच्छा नहीं लगता, इस वाले में कुछ जादू है मुझे लग रहा है। हाँ। कुछ करवा रखा आपने कुछ? हाँ। तो अभी कुछ दुकानें तो दिखा दी आप लोगों को, पर अब यहाँ पे खाने वाला सेक्शन पे आ चुका है, तो सोच रहा हूँ कुछ खा भी लिया जाए थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे पकौड़े मिल रहे हैं, यहाँ पे भी पकौड़े मिल रहे हैं, जलेबी भी मिल रही है, यहाँ पे टिक्की और चाउमीन, हर जगह पकौड़े हैं यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ के लोगों को पकौड़े खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, हर जगह पकौड़े हैं। तो यहाँ पे मेरी मतलब की चीज़ तो, अरे ये गोलगप्पे भी दिख गए यहाँ पे। तो मेरे मतलब की चीज़ तो यहाँ पे सिर्फ टिक्की और गोलगप्पे ही हैं बस। ये टिक्की है, टिक्की काफ़ी अलग टाइप की टिक्की है, इतनी मोटी कर रखी ना। एक टिक्की कर दीजिए, और छोले कम ही रखना उसमें, छोले ना। तो एक प्लेट में 2 टिक्की डालोगे, एक ही डालोगे? एक ही डालेगी। टिक्की आ चुकी है अभी, और टेस्ट नहीं बताता हूँ कैसी हो रही है, थोड़ी तीखी है पर बढ़िया है। सिदारगंज में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो भी टिक्की देता है ना उसमें छोले ज़रूर डालता है, और हमारी साइड में ऐसा ही नहीं, हमारे गढ़वाल साइड में नॉर्मल टिक्की रहती है, चटनी लाल चटनी, खड़ी चटनी, दही, और यहाँ मैंने किसी को भी दही डालते मैंने देखा। क्या नाम से? सुयेश जसवाल। 60,000। कितने दिन हो गए इस मेले को वैसे? कम से कम 1 महीना तो हो गया इस टाइम ना। मेले का जो सिस्टम चल रहा है ना, पहले मेले टाइम से होते थे जी, मेला अपने टाइम से लगता था, दीपावली वाला मेला अपने टाइम से लगता था, नानक मत्ता वाला, उसके बाद जनकैया वाला अपने टाइम से लगता था जी। इस बार लॉकडाउन के बाद ना ऐसा सिस्टम बना है ना, सारा सिस्टम मिल गया जी। लॉकडाउन किसी ने नहीं किया, ये लो पर लोग मर भी तो रहे थे, ये भी तो है। मर नहीं रहे थे भैया, मरे नहीं रहे अस्पताल में, मर नहीं रहे थे अस्पताल में भैया, यार डॉक्टर ने पैसा कमाना था। अभी कितने दिन चलेगा और ये मेला? मेला अब लास्ट लास्ट मतलब कब है लास्ट? आज लास्ट है, आज ही लास्ट है। लास्ट तो कल हो गया, परमिशन तो कम से कम 3-4 पहले दिन
परमिशन खत्म होगी, ये खत्म हो गया मेला बस। वैसे बंदे बैठे की अपनी दिहाड़ी मजदूरी निकल जाए भैया की, घर पे पहुंच जाए आराम से। इस एरिया का नाम क्या है, मतलब गांव का नाम क्या है? इसका एरिया का नाम पड़ता है चीका घाट। चीका घाट ना, और आता सितारगंज में सब। चलो ठीक है भैया, अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। मैंने आपको देखा ना, फास्ट फूड खा रहे थे वहाँ से, कैसे देख लिया आपने? अभी खा रहे हैं। सुयेश जसवाल। तो अभी फिलहाल चलते हैं वापस घर। यहाँ पे मैं काफी दुकान वालों से बात करना चाह रहा था, पर यहाँ पे वो वैसे दुकान वाले नहीं है कि बिल्कुल जैसे खुल के बात नहीं करते, हर कोई दब दब के बात कर रहा था, तो इससे मैं भी खुल नहीं पा रहा था। पर लास्ट में जो भैया मिले थे जो थोड़ा पॉलिटिक्स में घुस गए थे, उन्होंने खुल के बात करी बस। तो अभी मेले से थोड़ा ही दूर था नानक पट्टा गुरुद्वारा, तो इसलिए मैंने सोचा यार बाहर देखने आ जाऊँ कि कैसा लगता है। और अभी फिलहाल मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा थकान सी भी लग रही है, 4:30 भी हो गए, लेट हो गया हूँ मैं। तो जब फ्रेश आऊंगा यहाँ पे बिल्कुल नहा धो के आऊंगा, और फिर उस दिन आपको अच्छे दर्शन कराऊंगा, अभी तो सिर्फ बार से दर्शन करवा रहा हूँ। तो अब बाहर से यहाँ थोड़े बहुत दर्शन कर लीजिए और सामने भी देख लीजिए, देखो यहाँ पे एक ऐसा मार्केट है बढ़िया। तो अभी वापस कमरे में ही चलते हैं। तो घर आ चुका हूँ वापस और सोच रहा हूँ कि गाड़ी दो अब, क्योंकि देख ही लिया होगा आपने कितनी गंदी हो रही है। और जब गंदी रहती है ना तो अंदर बैठ के भी ऐसा लगता है कि अंदर से भी कुछ गंदा गंदा हो रहा है। तो यहाँ पे पहले ये हैंडपंप चला के देखना पड़ता है कि इसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर ये मोटर ऑन करनी पड़ती है तो इस पाइप में पानी आता है। तो ये यहाँ का प्रोसेस है और अभी इसमें पानी नहीं आ रहा है। तो अभी लैंडलॉर्ड को मैंने कॉल किया, उन्होंने बताया कि ऊपर से इसमें पानी डालो, हैंडपंप में पानी डालो, उसके बाद चलाओ इसे, फिर पानी आएगा। अब ये वाली प्रोसेस तो ना मैंने कभी किसी को करते हुए देखी ना मैंने खुद ट्राई करी, अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है ये वाली चीज। वो कह रहे हैं कि ऐसे पानी डालना पड़ता है क्योंकि सूख जाता है नीचे, तो जब ऊपर से पानी डालेंगे और फिर इस पंप को चलाएंगे तो प्रेशर से आएगा फिर पानी। पता नहीं कौन सी फिजिक्स है ये। ओ भाई ये सच में आ गया पानी। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, मान गए भाई मान गए। अब इसमें पानी आ गया ना, अब मैं इस मोटर को ऑन करता हूँ, अब इसमें पानी आने लग जाएगा। देखो ये देखो आ गया, इसमें पानी आ गया। चलो भैया अपनी गाड़ी धो दी जाए। गाड़ी धो दी एकदम बढ़िया करके, एकदम धुलंद कर सजा दी। बस थोड़ा गाड़ी के आसपास पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया क्योंकि वहाँ पे बहुत रेत थी, तो मेरे को डर ये लग रहा है कि कोई पास पड़ोस वाला ये ना बोल दे कि क्या कर दिया, कीचड़ क्यों बना दिया हमें पूरा का पूरा। अब थोड़ी देर आराम करते हैं फिर खाना खाने चलेंगे। तो काफी खोजबीन करने के बाद मुझे एक शॉप मिल गई है जहाँ पे सब्जियों की वैरायटी भी मिल रही है, रोटी भी और दाल भी। तो ये भैया की शॉप भारद्वाज होटल। तो ये आ गया खाना, रोटी बड़े दिनों बाद देखी, ये देखो कितनी प्यारी दाल चावल और गोभी की सब्जी और मूली विद हरी चटनी, और बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा है। तो सच में आज खाना खा के ऐसा लगा है कि खाना खाया है मैंने, वरना दो तीन दिन से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि खाना खा रहा हूँ मैं। आज पेट भर के खाया, अब आराम से बढ़िया बैठ के एडिटिंग करूंगा, और आज बाहर कोई बच्चा खेल भी नहीं रहा है, वरना मैंने सोचा था थोड़ा खेल भी लूंगा। तो अभी खाना खा के मैं वापस आया था, तभी बाहर से थोड़ी आवाज आ रही थी मेरे को, तो मैं मिलने आया हूं, तो मेरे को लगा कि शायद वो फिर से बच्चे बुलाने आ गए बैडमिंटन खेलने के लिए, पर फिर वही है, मैंने बोला घंटी नहीं बजा रहे हो। तो भाई आ रहे थे मिलने के लिए भैया। क्या नाम है आपका भाई? विक्की संधू। आदित्य शर्मा। अच्छा तो दिखा दो ना अपनी शक्ल। भाई का चैनल है यूट्यूब में? विक्की संधू ब्लॉग्स। विक्की संधू ब्लॉग्स। इंस्टा पे आदि डांस सिस्टर टू। अच्छा मतलब इंस्टा पे का बनाते हो? जी जी डांस की पब्लिक रिएक्शन। अच्छा मार्केट में डांस करते हो? बड़ा अच्छा मिला मिलकर। यही क्या आप? हाँ जी मैं लोकल का ही हूं। खिलाड़ी का दोनों ही ना? हाँ जी जी। अच्छा चलो मैं ऐसा लगा आप सो गए अभी, हमने छोड़ मेरे को तो बड़ी खुशी अभी जस्ट अच्छा हुआ हमारे स्टार में आया। तो मैंने अपने दोस्त को फोन करा सुबह से कर रहा हूं, तो उससे कह रहा हूं कि मिलवा दे। फिर मैंने कहा हां वही प्रभजोत वो जोड़ी वाला जिन्होंने आपकी छिपकली भगाई थी। अच्छा मेरा जिगर ही आ रहा है छोटे बचपन से हम साथ में रहे हैं। फिर मैंने इससे कहा कि मैंने चल भैया आए मिल के आते, अच्छा अकेले मेरा मन नहीं था आने का, लगता थोड़ा अजीब सा लगता है, पर कोई बात नहीं यार आ जाना। और अभी अब तो भाई चल गया कि इधर ही हो। अरे बाप रे कितना मोटा टायर है ये। हाथी का टायर लगा, ये तो पल्सर का लग रहा मुझे। पल्सर का नहीं बाप रे, लाइट भी इसमें तो तुमने खुद ही करी है मॉडिफाई? पूरी सब खुद ही करा है। पंखे भी लगा रखे हैं तुमने? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो भाई हमारे भैया, नहीं किक मारनी पड़ेगी, न्यूट्रल कर लो पहले। शूट कर रही है आप पे, जहर लग रही है कतई। इसमें मडगार्ड नहीं है। हाँ कीचड़ वाले, कीचड़ बरसात के लिए नहीं है ये भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ क्या कह रहे हो सर? आपको
आपका वीडियो है फ्लैट से बाहर निकाल दिया वाला, अभी डाला है आपने, इसमें आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा है सर, और आपका एड्रेस भी हल्का बहुत शो हो रहा है। अच्छा अच्छा, मैं जब प्रमोशन कर रहा हूँ उस टाइम पे। हाँ जी, जो आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोल के दिखा रहे हो उसमें आपका नंबर दिख रहा है सर। अच्छा अच्छा, चलो धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गौरव जखमोला। गौरव जखमोला भाई को धन्यवाद, अभी उन्हीं से बात हो रही है, उन्होंने कॉल किया तो ठीक है भाई, कर दूंगा मैं, वो ब्लर कर दूंगा उसको। किधर से हो आप, कहाँ से, कहाँ रहते हो? मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ सर जी, पाली गाँव से। अबे तू कैसे आ गई? अबे कैसे आ गई यार? मम्मी आप क्या बोलूंगा यार मैं, अब मेरे साथ रहने आ गई है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी अब। अब व्लॉग भी मैंने डेली करने यहाँ पे अकेला अकेला, अब लेने ही पड़ेगा मैडम को साथ में, गलत हो गया था। तो अभी फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, और अब क्या करें, बेड भी एक ही है, हंसने वाली क्या बात है यार इसमें। ज्यादा दिन मत रुकना पड़े यहाँ पे। चलो अभी फिलहाल ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मेरी 3-4 वीडियोस और देख लेना, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियोस तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नीचे एक लाल बटन दिया है उसको दबा देना एक बार, और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना, और अगर ब्लॉग बन भी अच्छा लगा तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अब गद्दे का इंतजाम करना पड़ेगा कल, अभी तो ये गद्दा है फिलहाल। तो आप सोच रहे हो कौन सी दोस्त आ गई, मेरे तो दिखाया था आप लोगों को, ये मेरी दोस्त।